Today we are going to look at section 5.5, which is on social costs of inflation. We are going to understand ki inflation actually itna common term hai economics mein, lekin iski exact cost kya hoti hai? What are the different kinds of burdens that inflation brings along with it? Now, by far, हम इतनी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, so it should be very clear that there is a huge difference between real aspect of any variable versus the nominal aspect of any variable. So when we talk about any variable, be it your income, your interest rate, anything has two sides. One, the nominal side. एंड दी अदर इज द रियल साइड. नॉमिनल साइड क्या होती है कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है, आपके पास आज इनकम कितनी है, वॉट इज द फेस वैल्यू ऑफ दैट इनकम. और उसकी रियल साइड होती है कि आप उस फेस वैल्यू की एक्चुअल परचेजिंग पावर कितनी है, आप उसमें से कितनी कमोडिटीज खरीद सकते हो. दैट विल डिपेंड ऑन वॉट इज द करंट प्राइस लेवल. या सो इवन वेन योर इनकम इज इंक्रीजिंग, इट इज पॉसिबल कि आपकी नॉमिनल इनकम तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इट इज स्टिल पॉसिबल कि आपकी रियल इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि ऑल्दो से पहले आपको 1000 रुपीज मिलते थे और अब आपको 10,000 रुपीज मिल रहे हैं, योर इनकम हैज इंक्रीज मैसिवली, द नॉमिनल इनकम हैज इंक्रीज मैसिवली, लेकिन इट इज स्टिल पॉसिबल कि जो आप जितने सेट ऑफ कमोडिटीज आप 1000 रुपीज में खरीद पाते थे, आप सेम सेट ऑफ कमोडिटीज 10,000 में खरीद पा रहे हो, क्योंकि एवरी कमोडिटी has become more expensive. So it is important to understand कि inflation किस तरीके से economy पे किन किन तरीकों से burden impose करता है and what exactly are the costs of inflation. Now we are going to understand this in two variants. First is the cost of expected inflation and second is the cost of unexpected inflation. Expected inflation का मतलब है कि आप expect कर रहे हो कि inflation होने वाला है, तो उस तरीके की inflation का आपके ऊपर क्या burden, क्या cost हो सकता है. दूसरा है unexpected inflation, जिसमें आपको पता ही नहीं है कि inflation होने वाला है और आपने expect नहीं करा था और एक unanticipated increase हो गया है prices में, तो उसका क्या burden हो सकता है. So we are going to understand the cost of inflation in these two. We start with the topic of expected inflation. So let's understand what comes under this category of expected inflation. Now expected inflation ka kya matlab hai? Suppose every month you expect that the price level will rise by 1%. So you have 12 months in a year and aap expect kar rahe ho ki har mahine प्राइस जो है 1% से इंक्रीज होगी. इट विल इंक्रीज बाय 1% इन ईच मंथ. सो दैट सम्स टू 12% ऑफ इन्फ्लेशन इन द टोटल इंटायर ईयर. ठीक है, नाउ व्हाट आर द पॉसिबल कॉस्ट ऑफ दिस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. व्हाई? बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन दैट यू आर एक्सपेक्टिंग. फर्स्ट इज द डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन टैक्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स ऑन मनी हेल्ड बाय पीपल. तो अगर सपोज इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हर महीने 1% से प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, देन द मनी दैट इज बीइंग हेल्ड बाय पीपल इज एक्चुअली लूजिंग इट्स वैल्यू. ऑल्सो द अदर प्रॉब्लम इज दैट एज इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, इट लीड्स टू हायर नॉमिनल इंटरेस्ट. फिशर्स इफेक्ट में हम पढ़ चुके हैं दैट विद इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड एज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज, दिस लीड्स टू लोअर डिमांड ऑफ मनी. सो बिकॉज देर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, देर विल बी एन इंक्रीज इन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स एज वेल, एंड एज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज, मनी डिमांड डिक्रीजेस बिकॉज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी increases. Now as the opportunity cost of holding money increases, people hold lesser money in hand. If they are holding lesser money in hand, then they will have to make frequent trips to banks to withdraw their money, because
लोगों को लग रहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो वो ज्यादा पैसे बैंक में रखना चाहेंगे और थोड़े पैसे हाथ में रखना चाहेंगे, लेकिन अपनी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए दे विल हैव टू नीड मनी एट सर्टेन पॉइंट्स इन मंथ एंड दे विल हैव टू गो टू द बैंक मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इफ दे आर होल्डिंग लेसर पार्ट ऑफ देयर इनकम इन हैंड. इट इज सिमिलर टू अ केस जहां पे आप यू नो यू मेक फ्रीक्वेंट विजिट्स टू एन एटीएम. सपोज इन अ मंथ यू हैव अ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर और आपको लग रहा है कि मैं अभी ज्यादा पैसे लिक्विड डेट नहीं करना चाहता हूँ अपने सेविंग्स को बिकॉज बैंक अकाउंट में रखने से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है. सो लेट्स कीप अ लार्जर पार्ट ऑफ आर इनकम इन द बैंक अकाउंट एंड अ वेरी स्मॉल पार्ट विद अस इन द लिक्विड फॉर्म सो दैट हम थोड़े दिन का ट्रांजेक्शन मीट कर पाए. लेकिन यू ऑल्सो नो कि वो जो मनी आपने अपने हैंड में लिक्विड फॉर्म में रखी है दैट इज ओनली सफिशियंट फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. So you will again need to go to the ATM or the bank to withdraw money so that आप अपने आगे future का transaction complete कर पाओ. So when you are holding lesser part of your income in the liquid form, then you will have to make frequent trips to bank. And this frequent trips to bank is a cost. According to the economist, it is called as the shoe leather cost. And why is it called as shoe leather cost is क्योंकि जब आप बैंक बार बार जाओगे it's more in you know in that sense कि आप frequent visit करोगे bank your shoe will wear out quickly will lose its value quickly because you will walk to the banks more frequently and that is the meaning of the shoe leather cost here which is कि because inflation है economy में nominal interest rates ज्यादा होंगे because nominal interest rates ज्यादा होंगे people will prefer keeping a larger part of their income in the form of bank account so that they can earn a higher interest rate and in expectation of the higher interest rate they will want to keep a small part and visit the banks more frequently so that they are able to meet their transactions apni transactions ko complete karne ke liye unko bank bar bar jana padega aur wo jo bar bar jane ki cost hai maybe you might have to incur some expenditure on the transportation maybe ho sakta hai ki aapka bank aapse bahut dur hai and you have to pay something to reach to the bank or the time that you are losing to reach to the bank are all examples of costs that you will have to bear if you are holding a lesser part of your income in the form of money and that is what the shoe leather cost represents. So that's the first cost of expected inflation which is called as the shoe leather cost. The second kind of cost is called as menu cost. Now, menu cost ka kya matlab hai? Whenever there is inflation in the economy, then obviously firms will have to change their prices in according to inflation. Suppose koi ek firm hai, let's talk about a restaurant. See, a restaurant has a menu where each food item has a certain price written in front of it. Yeah. Now, whenever there is inflation, suppose economy mein prices badh rahe hain and that is expected by you ki har mahine 1% inflation hoga. So basically, har mahine you are facing a price increase. A price increase ka matlab hai ki ek restaurant agar price increase face kar raha hai, to iska matlab hai that they are also increasing their cost because now the vegetables that they have to purchase from the market are more expensive. Maybe the oil that they have to purchase to cook the vegetables is also expensive. So all kinds of raw materials that they have to purchase to prepare their food are becoming expensive because prices are increasing. So ultimately, they will also have to increase the price of the food that they are serving because agar cost increase ho rahi hai, to unko apni price bhi increase karni padegi. Aur ye price increase karne ke liye, they will have to make a new menu. So they will have to get rid of the old menu cards and print the new menu. This printing and distributing of new menu cards is called as the menu cost. The more often prices are changing, if prices are changing rapidly, then restaurants will also have to change their prices rapidly. And although sunne mein ye lagta hai ki ye bahut hi choti si cost hai, lekin agar aap socho kisi firm ke bare mein jo apne products produce karte hai and they have to change the price of their products, then you can imagine how large a cost that can be because they will have to rechange everything. They will have to change their, you know, they'll have to modify everything. They'll have to change their advertisements. They will have to change the catalog that they are maybe selling out to the distributors. So they will have to
स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन प्रिंटिंग दीज न्यू मेन्यू कार्ड्स. मेन्यू कार्ड्स नॉट नेसेसरली ऑलवेज मीन्स यू नो मेन्यू कार्ड्स दैट यू यूजुअली हैव इन रेस्टोरेंट्स, बट इट इट सॉर्ट ऑफ कंप्राइजेस ऑफ मेनी अदर थिंग्स लाइक मे बी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट. तो आपको अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, then you will have to you know change the advertisements as well, because maybe aapne advertisement mein apne price ka kuch ek product apne product ka kuch ek price quote kiya hua and now the price has changed, so you will have to spend again on advertising the new product with the new price, and that is a huge cost. Advertisement is a huge cost for any firm, so you can imagine how large these costs can be if inflation is rapidly happening in an economy, if prices are rapidly changing in any economy. So menu cost is the second kind of cost that any firm has to bear when there is expected inflation. Then the third kind of cost is the cost of not changing your menu, not changing your catalog frequently. चाहे आप prices change करो या आप prices ना change करो, दोनों में आपको cost bear करनी पड़ रही है. तो अगर inflation हो रहा है तो अगर आप प्राइसेस चेंज करते हो तो आपको मेन्यू कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, और अगर आप प्राइसेस चेंज नहीं करते हो तो आपको ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है जो हम अभी एक्सप्लेन कर, विच इज कि व्हेनेवर देयर इज इन्फ्लेशन देयर इज ऑब्वियसली ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन रिलेटिव प्राइसेस. इफ देयर प्राइसेस आर इंक्रीजिंग देन देयर इज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन रिलेटिव प्राइसेस. नाउ एवरी फर्म वुड नॉट चेंज द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट एवरी मंथ. अगर हर महीने इन्फ्लेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हर महीने नहीं रिवाइज करेगी. लेट्स से कि फर्म जो है हर जनवरी में एक नया प्राइस चार्ट बनाता है अपने प्रोडक्ट का. नाउ इफ इन्फ्लेशन इज 1% पर मंथ, देन क्या होगा, जो आपके प्रोडक्ट की रियल वैल्यू है या जो रिलेटिव प्राइसेस है आपके प्रोडक्ट की, वो हर महीने डिक्रीज होगी. Because now you are not changing your price as per inflation. हर महीने inflation हो रहा है लेकिन आप अपने product का price सिर्फ January में change कर रहे हो. ये एक particular case हम लेके चल रहे हैं जिसमें direct menu cost आपको नहीं bear करनी पड़ रही है लेकिन indirectly you are bearing some cost. Which is that your relative prices are falling by 1% every month. Because inflation तो increase हो रहा है, prices increase हो रहे हैं, लेकिन आपने अपने product की price नहीं change करी है हर महीने. So what will happen? Because you have just produced a new catalog which is in sync with the current inflation rate, so your relative prices are high. But as you move to the end of the year, your relative prices fall. And because relative prices fall, your sales will be high. Customers will feel that price of this product is relatively lesser as compared to other commodities, so sales will be high. Whereas in the beginning, jab aapne naya catalog publish kara hai, तब रिलेटिव प्राइसेस विल बी हाई बिकॉज आपने जस्ट इन्फ्लेशन को एडजस्ट करा है एंड योर सेल्स विल बी लो. सो बेसिकली इवन व्हेन यू आर नॉट चेंजिंग योर प्राइसेस इन रिस्पांस टू इन्फ्लेशन, देन एज वेल यू हैव टू बेयर सम कॉस्ट. सो इन्फ्लेशन लीड्स टू वेरिएबिलिटी इन रिलेटिव प्राइसेस, एंड दीज वेरिएबिलिटी इन रिलेटिव प्राइसेस लीड्स टू इनएफिशिएंसीज इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. देन द फोर्थ cost is the cost from tax law. Iska kya matlab hai? You know that in any economy there are certain laws which pertains to taxes. Aap har economy mein there are certain taxes that you have to pay. But all of these taxes do not take, all of these tax laws do not take into account the effect of inflation. Aur inflation ki wajah se tax liabilities jo hoti hain wo bahut change ho sakti. An example of this could be to understand this entire cost in terms of capital gains. Now, capital gains क्या होते हैं? Suppose you buy some stocks today, ठीक है? Now you know कि किसी भी stock का एक, as I said, real चीज हो सकता है और एक nominal हो सकता है. एक real price हो सकता है stock का और एक nominal price हो सकता है. Suppose आपने स्टॉक खरीदा एट अ सर्टेन प्राइस एंड आफ्टर अ ईयर यू सेल इट एट द सेम रियल प्राइस. सो इन टर्म्स ऑफ रियल वैल्यू यू हैवंट अर्नड एनी प्रॉफिट. जो रियल प्राइस था स्टॉक का, एंड टू फॉर एन एग्जांपल, सपोज आपने स्टॉक खरीदा 100 रुपीज का. लेट्स से
कि एक साल में, सो इफ आई टेक टू टाइम पीरियड्स टी नॉट एंड टी वन, द प्राइस ऑफ द स्टॉक वॉज 100 rupees इन टी नॉट, एंड बिटवीन टी वन एंड टी नॉट देर हैज बीन एन इन्फ्लेशन ऑफ 12%, जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हमने बोला कि एक साल में 12% का इन्फ्लेशन हुआ. नाउ द नॉमिनल प्राइस ऑफ दिस, दिस इज से द रियल प्राइस ऑफ स्टॉक. Now, when you reach T1 time, then the real price of stock, अगर same रहती है तो वो होगी 100 plus inflation rate, which is 12. So the value of the stock will be 112. लेकिन nominal sense में आप इसको अगर compare करो तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे आपने stock 100 रुपए का खरीदा था और अब ये stock 112 में आप sell कर रहे हो, ठीक है? तो नॉमिनल सेंस में तो आपको कुछ कैपिटल गेन हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको इस पे कुछ टैक्स भी पे करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉज ऑफ मोस्ट इकोनॉमीज, इट विल सीम कि आपने 12 रुपए इस स्टॉक पे कमाए हैं, लेकिन रियलिटी में आपने इस स्टॉक पे कुछ भी नहीं कमाया है. क्यों? क्योंकि 12% आपका इन्फ्लेशन बिटवीन टाइम पीरियड टी नॉट एंड टी वन. So the real worth of this 112 is still 100 rupees at T1 time period, which is equivalent to 100 at T0 time period. So effectively, in real sense, you are not earning any capital gain, and hence you shouldn't be paying any taxes. But because the tax laws consider income as nominal rather than real, such problems and such costs have to be borne by individuals. The fifth cost is in terms of inconvenience of living in a world with changing prices. Now obviously, agar aap ek aise world mein rehte ho jahan pe har mahine prices change ho rahe hai, har mahine inflation ho raha hai, then that creates an inconvenience in itself, and that is another cost that you have to bear when there is expected inflation. And this can be best understood by, you know, imagining a situation where, say, you are consuming, say, a particular food product every month. And you notice ki aaj iska price tha 10 rupees, agle mahine iska price ho gaya 15, agle mahine ho gaya 20, agle mahine ho gaya 25. So you can imagine if you live in a world where prices are changing at every, you know, a certain period of time, then it becomes inconvenient for you, and it is also a cost that you have to bear. The sixth and the last cost of expected inflation is financial planning. Now, when prices are changing very frequently, it creates a problem for any individual to plan their finances for future. One very common decision that households face usually is to decide कि आज वो कितना कंज्यूम करना चाहते हैं, हाउ मच टू कंज्यूम टुडे एंड हाउ मच टू सेव फॉर रिटायरमेंट. नाउ सपोज कंसिडर एन इंडिविजुअल हु इज से 30 years old एंड ही एक्सपेक्ट्स टू रिटायर एट से 60 years. नाउ यू कैन इमेजिन कि व्हेन ही इज 30 years old एंड व्हेन ही बिकम्स 60 years old देयर विल बी सम इन्फ्लेशन. And whatever calculation he does, जो भी ये individual सोचेगा कि जब when I will be 60 years old, I want to have so much money in my hand. But imagine कि आज जो वो अपना plan करके चल रहा है about future, अगर उसकी value, उसकी जो real value है, वो 60 years के बाद इतनी कम हो जाए कि वो actually उसके लिए sufficient ना हो, then it creates a problem for this individual. If prices are changing very rapidly, if inflation is increasing, then it will create a problem for individuals to plan for their future, because they would not have a clear idea of how much amount they would want to save. You do not know whether that will be sufficient in that time period, in that future time period, will that be sufficient or not, because prices are changing so rapidly. Ho sakta hai ki aaj jo cheez aapko 10 rupees mein mil rahi hai, wo cheez aapko 60 years के बाद 1000 रुपीज में मिले. आपने जो प्लानिंग करी है वो इसके हिसाब से प्लानिंग करी है, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन इतना मैसिवली, प्राइसेस इतने मैसिवली इंक्रीज हो रहे हैं, देन द प्लानिंग दैट यू हैव डन मे एक्चुअली नॉट बी सफिशिएंट इन द फ्यूचर.